और कोशिश करेंगे कि आवाम का टैक्स का पैसा जितना हो मुमकिन हो बचा सकें। सर आपकी तरजीहात में क्या शामिल होंगी अपनी हुकूमत? सबसे पहले तो इलेक्शन शफाफ वक्त पर ट्रांसपेरेंट सही तरीके से हर एक को मौका मिलना चाहिए। हम फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और हर एक को मौका देंगे बिला किसी डिस्टिंक्शन के या डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाजी सलूक के कि वो आवाम के सामने वोटर के सामने अपना मंशूर रख के हर पार्टी को हर उम्मीदवार को इजाज़त हो गई सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सिविल या मिलिट्री या पैरामिलिट्री इनकी ताकत को यकजा करके एक माहौल बनाएंगे पुरअमन, क्योंकि ये सबसे बड़ा अहम है। तभी आप एक इलेक्शन को कह सकते हैं कि ये फेयर है, तो इंशाल्लाह ये करके जाएंगे। सर ये बताएं कि आपके जो मसाइल हैं उसको टेक ऑफ करेंगे फेडरल गवर्नमेंट के साथ, खासकर आजकल जो बिजली का इशू है। किस चीज़ का? लोड शेडिंग का, बिजली का। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आवाम को दौरे हुकूमत में ये महदूद दौरे हुकूमत में मैक्सिमम रिलीफ दे दें गरीबों को, खासकर सूबाई काबीना का। मैंने कहा कि उसमें मशवरा होगा और इंशाल्लाह इतनी बड़ी नहीं होगी और प्योरली मेरिट्स पे काबिल लोग आएंगे। और हमारा एक और मसला भी है जिसकी मैं निशानदेही करता हूँ कि साबका हुकूमत ने बजट पास नहीं की, तो वो भी एक मसला है, उस पर सोच रहे हैं कानूनी आईनी तकाजे क्या है, किस तरह करना है, किधर जाना है, कानून बनाना है या किसी अदालत से रजू करना है, ये जो भी तरीक़ेकार है आईन और कानून के मुताबिक वही इख्तियार करेंगे और फिर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जो फर्ज सौंपा गया है उसको पूरे खुशअसलूबी के साथ तमाम सियासी क़ियादत जमहूरी क़ियादत जितनी भी है उनकी तसली के मुताबिक सर अंजाम। जल्द लोग मुझे मशवरा कर दें।